Hello everyone, myself Dharmendra Kumar. I hope you all are doing very well. So, इस सेशन में बात करेंगे who are you? आप कौन हैं? कुछ ऐसे स्लाइड्स में यहां पर लेके आया हूं जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में आप किस जगह पर हैं, किस साइड से आपकी प्रिपरेशन चल रही है और आगे क्या रिजल्ट रह सकता है. उन स्लाइड्स को बहुत अच्छे से आपको देखना है और आपको चूज करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग यहां पर कर रहे हैं. सो स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हु आर यू. तो सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहां पर सम डोंट स्टार्ट, सम क्वाइट अर्ली, सम फियर एंड सम विन. अब देखेंगे पहले केस में तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर नीट की ही मैं बात करूं, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 100 स्टूडेंट प्रिपरेशन करने वाले हैं तो वो केवल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोचिंग्स में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, उसके अलावा कोई भी काम उनका नहीं रहेगा. ना वो प्रिपरेशन करेंगे, ना वो एग्जाम देंगे या एग्जाम फॉर्म भी फिल करेंगे, तो उनको कोई भी लेना देना नहीं है. सो फर्स्ट कैटेगरी में बता सम डोंट स्टार्ट, वो स्टार्ट ही यहां से नहीं करें. दूसरा है सम क्वाइट अर्ली, अगर एग्जाम की प्रिपरेशन का उन्होंने ठाना है तो एक महीने में, दो मंथ में, विद इन टू मंथ, थ्री मंथ्स में वो क्या करेंगे, वहां से छोड़ देंगे, बोले यार अब मुझसे नहीं हो रहा है. तो 100 में से कुछ परसेंटेज स्टूडेंट्स वैसे ही बाहर हो जाते हैं. फिर सम फियर, अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो वहां से कुछ स्टूडेंट्स पीछे हट जाएंगे. अब बचे कितने से, कुछ परसेंटेज ही बचे 100 परसेंटेज में से और उन्हीं का सिलेक्शन वहां पर होगा. सो सम विंस, तो आप इन फोर्थ जो कैटेगरीज बताई जा रही है इसमें से कौन से हैं ये आपको सेलेक्ट करना है. सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो घबराने की जरूरत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए. स्मॉलर देन यू थिंक, ग्रेटर देन यू नो. अगर इसकी बात करें अपन तो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं यहां पर, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स को आप थोड़ा सा भी अगर सोचो या डेली लाइफ में देखो, फील करो, तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है. व्हाट इट सीम्स, जो बड़ा बॉक्स आपको यहां पर बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ऐसी है, बट इन रियलिटी यहां पर जो प्रॉब्लम्स होगी वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी. अपन पहले से ही अपने मनगढ़ंत जो बातें हैं, अपने दिमाग में जो बात आ रही है उसको ले रहे हैं और वहां से अपन सोच रहे हैं कि यार प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझसे होगा या नहीं होगा. सो अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं तो यहाँ जो कैटेगरी आपको बताई थी सम क्वाइट अर्ली, सम फियर, तो इन प्रॉब्लम की वजह से ही यहाँ पर जो दोनों कैटेगरी वो आई है. सोल्यूशन की अगर अपन बात करें तो सोल्यूशन आपके पास देखेंगे तो सोल्यूशन बहुत बड़ा है. हर एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे. तो अपन यही सोचते हैं कि यार सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, उसका मैं क्या करूंगा या करूंगी, तो व्हाट इट सीम्स सोल्यूशन ऐसा लगता है कि बहुत छोटा, बट इन रियलिटी सोल्यूशन अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर्स में होता है किसी भी प्रॉब्लम का. देन नेक्स्ट, वेयर आर यू, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं टाइम के साथ, क्या आप डिसिप्लिन है या नहीं है. अगर डिसिप्लिन है तो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर क्या होगा, सक्सेस रेट होगा, आप बिल्कुल सक्सेस होगा, आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा. बट टाइम के साथ में अगर आप लेजी हैं, लेजीनेस है, आप टाइम के साथ में जो आपको चेंजेस करने चाहिए थे, जो स्टडी आपको करनी थी या जिस भी फील्ड में आप, उसमें आपको चेंजेस करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा वो डाउन ही यहां से होगा. सो आपको यहां पर भी देखना कि आप डिसिप्लिन है या नहीं है हर किसी में. नेक्स्ट, विच साइकिल आर यू इन, किस साइकिल से आप बिलोंग कर रहे हैं. तो दो साइकिल्स मैंने यहां पर लिए हैं, एक तो है प्रोक्रेस्टिनेशन एंड दूसरा है प्रोडक्टिविटी. फर्स्ट में आप देखेंगे तो आपने कोई भी जो वर्क है वो किया है, स्टडी आपने किया, टॉपिक की या कुछ भी आपने किया है, तो आपने किया है, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, देन उसके बाद फिर से आप वेट कर रहे हो, अगेन वेट आप कर रहे हो, तो वेट ही करते रहोगे किसी एक छोटे से काम को करने के बाद में, तो क्या रिजल्ट मिल पाएगा, नहीं. या तो जो आपने काम किया है, आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है, आपके मार्क्स नहीं आए तो उसका एनालिसिस कीजिए, या जिस भी काम की बात करें उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. पॉजिटिव है तब भी आपको एनालिसिस करना कि मैंने कौन से ऐसी बेसिक पॉइंट्स का ध्यान में रखा है जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जिसको मैं आगे भी ध्यान रखूंगा, और नेगेटिव आया है तो मैंने कौन सी ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूं. तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है. प्रोक्रास्टिनेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो आपके पास वेट ही आप कर रहे हो, जबकि प्रोडक्टिविटी की आप बात कर रहे हो, आपने कोई काम किया, देन उसका एनालिसिस किया, इंप्रूव किया, वापस थोड़ा सा रेस्ट किया, वापस से आपने नए सिरे से आपने जो भी काम है वो यहां से स्टार्ट कर दिया है, स्टडी कर दिया, जो भी काम आप कर रहे हो वो कर दिया है. तो कौन सी कैटेगरी में, कौन सी साइकिल में, यह आपको चूज करना है यहां से.
लीड एंड सक्सेड स्टूडेंट्स के लिए कम है बट बाकी सबके लिए है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ, मेरा अपना रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो ठीक है। अगर आपको और आगे जाना है और बेहतर आपको करना है तो अपने साथ वालों को भी आप लेके चलिएगा। जैसे जब मैं स्टूडेंट था उस टाइम की मैं बात करूंगी, मुझे किसी भी टॉपिक में स्टूडेंट तो मैं हालांकि अभी भी हूँ, ठीक है, हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो पहले की बात करूं मैं कुछ समय पहले की, तो मुझे किसी भी टॉपिक में दिक्कत तो होती थी, मैं लर्न नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा, तो मैं अपने दिमाग में यही सेट कर लेता था कि यार अब क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। तो उस समय मैं क्या करता था, मैं ये सोचता था कि मुझे इसे कल जाकर प्रेजेंटेशन उसका करना है, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के सामने मैं एज ए टीचर वहां पर जाऊंगा। तो वो जो बात मेरे दिमाग में बैठती थी तो मैं उससे हर एक छोटे छोटे टॉपिक को, हर एक छोटे छोटी बात को बहुत अच्छे से समझता था, तब वो टॉपिक मेरा क्लियर हो जाता था। तो इस टाइप से आप क्या कर रहे हो, तैयारी करोगे, साथ वालों को भी लेके चलोगे, तो काम आपका यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आप एक अचीवर के जैसे बन जाओगे। चैलेंजेस की बात करें, चैलेंजेस एक्चुअल में है क्या, क्या चैलेंजेस आपको रोकने के लिए होते हैं लाइफ में या आगे बढ़ने के लिए होते हैं, ग्रोथ करने के लिए होते हैं? तो चैलेंजेस जो है एक डॉन्टिंग टास्क नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा। चैलेंजेस जहां पर भी आएगा तो वो आपके पास क्या है, ए चांस टू ग्रो, ग्रो करने का एक चांस है। सबसे बेहतर चांस जो है वो चैलेंज ही है। अगर किसी के लाइफ में चैलेंज नहीं है तो मान के चलो कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये आपको मान के चलना है। डेफिनेटली यही उसका काम है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, द टफेस्ट क्लाइंट्स हैव द बेस्ट रिव्यूज। अब चैलेंजेस की अभी अपन ने बात की, जितना ज्यादा चैलेंज होगा किसी की लाइफ में उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिलेगा और उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट रहेगा अगर वो डिसिप्लिन है तो। पहले ही बात की थी डिसिप्लिन की, अपन ने बात कर ली डिसिप्लिन की, अपन ने बात कर ली। तो जितना ज्यादा टफ होगा उतना ही अच्छा व्यू होगा, आप चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए चढ़ते जाइए, लास्ट में आपको जो ऊंचाई पर आप देखोगे वहां पर जाके पीछे का सफर वो बहुत बढ़िया रहने वाला होता है। बस ये कंडीशन है कि आप अर्ली क्वाइटर नहीं हो, पहले आप क्विट नहीं कर रहे हो किसी भी जॉब में या स्टडी में। नेक्स्ट बात करें लाइफ की, तो लाइफ सिंपल मिक्स है किसका, विंस एंड लेसन का। यहां मैंने ये नहीं बोला कि लूजर की बात की है या जो आप फेलियर की मैंने बात की है, ठीक है, ऐसा नहीं कहा मैंने। एक लिखा विंस और दूसरा लिखा लेसन, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में या किसी भी काम में आपको वहां पर आप पास नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि फेल हो। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में तो फेल लिखा आएगा बट वहां पर जो अपन ने गलतियां की है, जो लेसन है उनको सीखना जरूरी है। अगर उनको नहीं सीखेंगे तो आगे का रिजल्ट भी सेम ही रहता है। तो लाइफ इज अ सिंपल मिक्स ऑफ बोथ wins and lessons, that is life. ये साथ साथ में चलता है, सबके लाइफ में चलता है, भले ही कोई दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, ये तो चलेगा ही चलेगा भाई लोगों। Next, find your path. ऐसा नहीं है कि जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं सेम वैसा ही आप करोगे तो आपको सफलता मिलेगी या सक्सेसफुल आप होगे। हो सकता है कि आपका अलग आइडिया हो, अलग मोटो हो, अलग तरीका हो वहां तक पहुंचने का, तो खुद का आप पाथ ढूंढिए, फाइंड योर पाथ, जिससे आपको क्या मिल सके, सक्सेसफुल आप हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे हैं यार कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तेरा होगा नहीं होगा, तो फिर वहां पर दिक्कत होना जायज है। उनको ना सुनिए, और सुनो तो यहां से सुनो और यहां से निकाल दो। फोकस ऑन दी स्मॉल विंस, इसकी अगर मन बात करें तो इसको सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी एक चैप्टर है तो वो छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड रहता है। सर टॉपिक्स की बात करें छोटे छोटे पैराग्राफ में होता है और पैराग्राफ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, केमिस्ट्री नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रही है, तो क्या किया जाए, किसी भी चैप्टर को समझ में नहीं आ रहा, उसको छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ दीजिए। एक टॉपिक में पढ़ूंगा अगले आधे घंटे में, फिर अगले आधे घंटे में, फिर अगले आधे घंटे में, ऐसे मैं करूंगा तो छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर जो क्लियर होंगे, लास्ट में आप जाओगे दो दिन या तीन दिन में तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरा पूरा चैप्टर वहां से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। So focus on the small wins. देखेंगे आप, पहले मैंने छोटा छोटी ये विन जो थी, जीत मैंने यहां से दर्ज किए, फिर कुछ टाइम बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तो अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए, मैंने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ऐसे करके मैं उस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर सकता हूं। क्लियर है? सो छोटी छोटी विन जो उस पर आपको फोकस यहां से करना है। तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बातें आपको यहां से बताई, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर भी अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैं आपको इस आईडी से मिलूंगा।
या तो आप सर्च कीजिए MYDHARMEN या सर्च कीजिए हराइजन कैरियर अकेडमी, ये अपना इंस्टाग्राम पर पेज है, वहां पर ये वाली शक्ल आपको दिखेगी, वहां अपने डाउट मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।